एक गांव में कालू कौवा अपनी दो पत्नियों टुनटुनी तथा मुनमुन के साथ रहा करता था। टुनटुनी और मुनमुन एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने काम पर जा रहा था, तभी वो टुनटुनी को कहता है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है और मुझे काम पर भी जाना है, मुझे देरी हो रही है, जल्दी से खाना लाओ वरना मैं लेट हो जाऊंगा। उसकी आवाज़ सुनकर टुनटुनी और मुनमुन दोनों ही खाना लेकर आ जाती हैं। ये लीजिए कालू जी, खाना खा लीजिए वरना आपको देर हो जाएगी। देखिए आज मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है। नहीं नहीं कालू जी, ये लीजिए, देखिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल डिश बनाई है, ये बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने यूट्यूब से देख करके बनाया है, चलिए खा लीजिए। मुनमुन, कालू जी के लिए खाना मैंने बनाया है और वैसे भी तुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है ना, कुछ इसमें मिला दिया होगा और मेरे कालू जी को कुछ हो गया तो। चल जाए यहाँ से, अपना ये सड़ा हुआ खाना उठा और निकल जाए यहाँ से, कालू जी तो मेरा बनाया हुआ ही खाएंगे। अरी अरी, मेरे खाने को सड़ा हुआ बोल रही है, तेरा खाना देख वही रोटी सब्जी हमेशा की तरह, तुम लोग भी ना गवार के गवार ही रहोगे। कालू जी ये लीजिए, आप मेरा खाना खाइए, ये बहुत स्वादिष्ट और नया है, आपको बहुत पसंद आएगा। तुम मेरे खाने को बेकार बोल रही है, मेरा खाना सबसे स्वादिष्ट होता है और वैसे भी इतने सालों से मैं ही बनाकर खिला रही हूँ तुझे, समझ में आया, तुझे कुछ भी करना नहीं आता और बढ़िया ही खाना बनाने वाली, चल जा यहाँ से। और वैसे भी खाना मुझसे मांगा था अब कालू जी ने, तुझसे नहीं तो फिर तू खाना लेकर क्यों आई है। इस तरह टुनटुनी और मुनमुन झगड़ा करने लगती हैं, तभी कालू कौवा परेशान होकर कहता है, अरे टुनटुनी मुनमुन, तुम दोनों रहने दो, मुझे नहीं खाना, मेरा पेट तुम दोनों की लड़ाई देख कर के ही भर गया है, रोज का तुम दोनों का यही हाल रहता है, तुम दोनों का बस चले तो तुम दोनों मुझे भूखा ही मार दोगी, मैं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा, आज फिर मुझे तुम्हारी वजह से अपनी मैडम से डांट सुनना पड़ेगा। ये कहकर कालू कौवा नाराज होकर चला जाता है। देखा मुनमुन, तेरी वजह से कालू जी को भूखा ही काम पे जाना पड़ा, सिर्फ तेरी वजह से, तू ही मुझसे झगड़ा करने चली आती है। अरे वाह वाह, मैं झगड़ा करने चली आती हूँ, जब मैं कालू जी को खाना दे रही थी तो तुझे काबिल बनने की क्या जरूरत थी। तू चाहे जो भी कर ले, लेकिन कालू जी की पहली पत्नी मैं हूँ, उन पर पहला हक मेरा है, और वैसे भी वो नाश्ते के लिए हमेशा मुझसे ही कहते हैं, उन्हें मेरे हाथों का खाना बनाया पसंद है, समझी। अरे टुनटुनी, अगर पहली पत्नी से उन्हें प्यार ही होता तो वो दूसरी शादी क्यों करते, वो तो मुझसे प्यार करते हैं, तुझसे नहीं, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, अगर तू बीच में टांग नहीं अड़ाती तो कालू जी मेरा बनाया हुआ स्वादिष्ट नाश्ता करके चले जाते, लेकिन तेरी वजह से वो भूखे चले गए। इसी तरह दिन बीत जाता है और शाम होने लगती है। इधर कालू कौवा जब घर लौट रहा था तो बाजार में जाता है। मुझे पता है आज भी टुनटुनी और मुनमुन दिन भर एक दूसरे से लड़ाई कर रही होंगी, सुबह मैं भी गुस्से में चला आया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मैं ऐसे ही नाराज हो जाऊंगा तो फिर वो दोनों तो झगड़ा और भी ज्यादा करेंगी, मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों के लिए सब्जियाँ लेकर चला जाता हूँ, दोनों के लिए बिल्कुल बराबर बराबर सब्जियाँ लूंगा ताकि उनमें कोई झगड़ा ना हो। इसके बाद कालू कौवा दो झोले में सब्जी लेकर घर आ जाता है। टुनटुनी मुनमुन, कहाँ हो तुम दोनों, आओ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आया हूँ। टुनटुनी और मुनमुन कालू की आवाज़ सुनकर बाहर आती हैं। हाँ कालू जी बोलिए, आप हमारे लिए क्या लेकर के आए हैं। ये देखो, मैं दो झोले सब्जियाँ लेकर के आया हूँ और दोनों ही बिल्कुल बराबर मात्रा में सब्जियाँ हैं, इसलिए तुम दोनों ये एक एक झोला ले जाओ, और हाँ झगड़ा बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैं बराबर की सब्जियाँ लाया हूँ। टुनटुनी और मुनमुन एक एक झोला रख लेती हैं, तभी मुनमुन कहती है, अरे ये क्या कालू जी, मेरी सब्जियाँ तो कम है, देखिए टुनटुनी की सब्जियाँ कितनी ज्यादा लग रही हैं और मेरी सब्जियाँ तो बिल्कुल कम है। ए टुनटुनी चल वो वाला झोला मुझे दे दे, मुझे वो वाला चाहिए। अरे अरे पहले मैंने ये उठाया है और ये मेरा है, समझी, तेरा वाला तू रख, ये मेरा है, मैं तुझे नहीं दूंगी। अरे तुम दोनों फिर से शुरू हो गई, मुनमुन
ये क्या बचपना है, मैंने इन दोनों में बराबर की सब्जियाँ लाई है, ये दोनों बराबर तौले हुए हैं, तुम्हें कैसे लगता है कि ये कम है, ये दोनों ही बराबर हैं। देखो अगर तुम दोनों इसी तरह झगड़ा करती रही ना तो मैं यहाँ से कहीं गायब हो जाऊँगा। लेकिन टुनटुनी और मुनमुन अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाली थी, वो दोनों तू तू मैं कर रही थी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अगर तुम दोनों को इसी तरह झगड़ा करना है ना तो मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। तुम दोनों को जो करना है करो, जितना लड़ना है लड़ती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे नहीं नहीं कालू जी, आप कहीं मत जाइए, हमसे गलती हो गई, रुक जाइए। लेकिन कालू कौवा उन दोनों की बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। देखा मुनमुन, तेरी वजह से कालू जी आज घर से चले गए हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझी? मेरी वजह से? इसमें मेरी क्या गलती है? कालू जी ने बराबर सब्जियां नहीं लाई थी, उन्होंने तुझे ज्यादा सब्जियां दी, इसलिए मैंने झगड़ा किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और हाँ, रही बात कालू जी की, तो मैं उन्हें तुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हूँ, देखना वो थोड़ी देर में घर वापस आ जाएंगे, थोड़ा सा नाराज हो गए हैं बस, मैं उन्हें मना लूंगी, समझी? इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन कालू कौवा का कोई अता पता नहीं था। टुनटुनी, मुझे तो अब चिंता हो रही है, कालू जी अभी तक क्यों नहीं आए? तू सही कह रही है मुनमुन, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। अगले दिन कालू कौवा अपने साथ गौरी कौवी को लेकर के आया था। ये देखकर टुनटुनी और मुनमुन बिल्कुल हैरान हो जाती हैं। कालू जी, ये क्या है, ये आपके साथ कौन है, और ये आप दोनों ने ऐसे मालाएं क्यों पहन कर रखा है, जैसे कि शादी हो गई हो? तुमने सही समझा टुनटुनी, हम दोनों ने शादी कर ली है, मैं तुम्हारे रोज के झगड़ों से तंग आ चुका हूँ। देखो मेरे अंदर भी भावनाएं हैं, मुझे तुम दोनों का प्यार चाहिए था, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों मेरा खूब ख्याल रखोगी, लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे से झगड़ा करती रहती हो, रोजाना मुझे भूखा मेरे काम पर भेज देती हो, इसलिए मैंने आज इनसे शादी कर ली है, ये मेरे ऑफिस की मैडम है। नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं कालू जी, आप दो दो पत्नियों के होते हुए तीसरी पत्नी कैसे लेकर आ सकते हैं? एक तो आपने पहले ही मेरे लिए सौतन ला दी और उसके बाद एक और सौतन लेकर आ गए। हाय हाय कालू जी, ये आपने क्या किया, ये आपने ये शादी क्यों कर ली, हमसे गलती हो गई ना, हमें माफ कीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए, मुझे पता है आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए टुनटुनी और मुनमुन जी, कालू ने मेरे से शादी कर ली है, ये मेरे ऑफिस में काम किया करता था, ये बहुत परेशान रहता था, कल मैंने इससे इसकी परेशानी पूछी तो इसने कहा कि इसकी दोनों पत्नियां बहुत झगड़ा करती हैं, तो मैंने कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, फिर हम दोनों ने शादी कर ली और ये सच है, अब मैं इनकी पत्नी हूँ, आप दोनों नहीं। और हाँ, अगर आप दोनों इस घर में रहना चाहती हैं ना तो आपको घर का सारा काम करना पड़ेगा, वरना आप दोनों यहाँ से जा सकती हैं। अब टुनटुनी और मुनमुन की हालत काम करते करते खराब हो जाती है, उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। टुनटुनी दीदी, तुम मुझसे बड़ी हो, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं की और न ही तुम्हें पसंद किया, मुझे माफ कर दो, हमारी गलती की वजह से ही हमें ये सजा मिल रहा है। देखो हमारा ये घर जिसमें हम महारानी की तरह रहा करती थी, आज हमें नौकरानियों वाला काम करना पड़ रहा है। हाँ हाँ मुनमुन, गलती सिर्फ तेरी नहीं है, मुझे तुझे अपनी छोटी बहन समझ कर रखना चाहिए था, लेकिन मैंने तो तुझे अपना दुश्मन मान लिया था, इसीलिए ये सब हुआ। चल हम कालू जी से माफ़ी मांगते हैं। क्या फायदा टुनटुनी दीदी, माफ़ी तो हमने उनसे पहले ही मांगा था ना, लेकिन उन्होंने हमें माफ़ नहीं किया, और जब वो काली कौवी के साथ खुश हैं तो हमारा इस घर में कोई काम नहीं है, हम दोनों यहाँ से चलते हैं, कहीं दूर चले जाएंगे। इसके बाद टुनटुनी और मुनमुन घर छोड़कर जाने लगती हैं, तभी कालू कौवा कहता है, अरे टुनटुनी मुनमुन, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? कालू जी, आप हमारे बिना बहुत खुश हैं, आप काली कौवी के साथ खुश रहिए, लेकिन हम दोनों नौकरानियों की तरह नहीं रह सकते, इसलिए हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हमें अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन हम अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो शादी कर ली है ना, इसका कोई इलाज नहीं, इसलिए हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। बस मैं यही तो चाहता था
कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाए और तुम दोनों प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगो और ये हो गया। देखो मैंने और काली कौवे ने शादी नहीं की, वो तो ये हमारा एक प्लान था ताकि हम तुम दोनों को सही रास्ते पर लेकर आ जाएं। हाँ हाँ टुनटुनी जी और मुनमुन जी, आपके पति कालू कौवा सही कह रहे हैं, ये मेरे ऑफिस में काम करते हैं। इन्होंने मुझे अपनी परेशानी बताई तो मैंने एक दोस्त के नाते इनकी मदद की ताकि आप दोनों सुधर जाओ। अब आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद काली कौवी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी और मुनमुन अब झगड़ा करना छोड़ देती हैं और प्यार से तीनों एक साथ रहने लगते हैं।